करने लगी, हमारी दोस्ती हो गई। और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल करता है। ये बड़ा कॉमन बात हो गई। और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं, हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। जब हम बाकी चीजों में इतने मैच्योर हो गए, जो लड़की इतना मैच्योर हो गई कि उसे ये पता है मुझे अपने माता पिता से कॉलेज जाने के लिए क्या क्या चाहिए और कॉलेज में क्या होता है, बारहवीं की लड़की या लड़का कॉलेज में आते ही ऐसे उनके पर लग जाते हैं जैसे उड़न खटोला उनको मिल गया। लड़कियों को लगता है वो तो स्कूल ड्रेस से छुट्टी, अब तो मौज है, कुछ भी पहनो, कितने मॉडर्न कपड़े पहनो। लड़कों को लगता है अब वो बस्ते वाला काम खत्म, अब तो बाइक होगी, मैं होऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड करने लगी, हमारी दोस्ती हो गई। और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल करता है। ये बड़ा कॉमन बात हो गई। और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं, हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। जब हम बाकी चीजों में इतने मैच्योर हो गए, जो लड़की इतना मैच्योर हो गई कि उसे ये पता है मुझे अपने माता पिता से कॉलेज जाने के लिए क्या क्या चाहिए और कॉलेज में क्या होता है, बारहवीं की लड़की या लड़का कॉलेज में आते ही ऐसे उनके पर लग जाते हैं जैसे उड़न खटोला उनको मिल गया। लड़कियों को लगता है वो तो स्कूल ड्रेस से छुट्टी, अब तो मौज है, कुछ भी पहनो, कितने मॉडर्न कपड़े पहनो। लड़कों को लगता है अब वो बस्ते वाला काम खत्म, अब तो बाइक होगी, मैं होऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड।